सिवान लोकसभा सीट पर इस बार सीधी लड़ाई दो महिलाओं के बीच होने वाली है। संयोग से दोनों के पतियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य पाया गया है। ये दोनों महिलाएं बेशक सियासी मैदान में पहली बार नहीं उतरी हैं, लेकिन यह भी सच है कि ये दोनों मोहरा भर हैं। असली चुनावी जंग तो इनके पतियों के बीच लड़ी जाती रही है। सिवान में फिर से दो बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए मैदान सज चुका है। लालू यादव के करीबी और सिवान से तीन बार के सांसद डॉन शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के सामने होंगी हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे 30 संगीन मामलों के आरोपी बाहुबली अजय सिंह की धर्मपत्नी और दौरंदा विधायक कविता सिंह। ये दोनों महिलाएं घरेलू महिलाएं ही थीं, पर हालात ने इन्हें राजनीति के मैदान में उतार दिया। दोनों को अपने अपने पतियों के वर्चस्व की विरासत संभालने के लिए कूदना पड़ा है। स्नातक की पढ़ाई के दौरान अपने कॉलेज में बुर्का पहनकर जाने वाली एकमात्र युवती हिना की शादी कॉलेज से निकलते ही शहाबुद्दीन से हुई। स्वभाव से बहुत शर्मीली दो बेटियों और एक बेटे की इस मां को 2009 में लोकसभा चुनाव में तब उतरना पड़ा जब उनके सजा याफ्ता पति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। शहाबुद्दीन जेल में थे और सिवान में उनका खौफ घटना शुरू हुआ था। हिना को उनके पहले चुनाव में शिकस्त दी एक निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने, जिन्हें शहाबुद्दीन ने कभी सरेआम पीटा था। 2014 के चुनाव में भी जनता ने ओम प्रकाश यादव को ही चुना। ऐसा लगा कि शायद अब सिवान में बाहुबलियों का राज बीते दौर की बात हो चुकी है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती का संसद में प्रतिनिधित्व अब साफ सुथरी छवि वाले ही करेंगे। लेकिन 2019 ने फिर से बाजी बाहुबलियों के बीच ही सजा दी है। ऊंट चाहे जिस करवट बैठे, सिवान का प्रतिनिधि बाहुबली ही होगा। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ तो सिवान जदयू के खाते में चला गया, और जदयू के खाते में सीट जाने के बाद यह लगभग तय हो गया था कि यहां से नीतीश कुमार अपने चहेते उसी अजय सिंह को सिवान फतह की जिम्मेदारी देंगे, जिन्हें नीतीश ने पिछले दरवाजे से अपनी दमंगई की धमक बनाए रखने का हिट फार्मूला दिया था। इस हिट फार्मूले की एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। बाहुबली अजय सिंह की मां जागमातो देवी सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दौरौदा से जेडीयू विधायक थीं। 2011 में जागमातो देवी का निधन होने से सीट खाली हो गई। अजय सिंह ने सीट पर दावेदारी की, लेकिन नीतीश की अपनी छवि बनाए रहे थे, लिहाजा उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अजय सिंह को टिकट तो नहीं दिया, पर एक जुगाड़ू फार्मूला पकड़ा दिया, उपचुनाव से पहले शादी कर लो। अजय सिंह क्षेत्र में लौटकर आए और अपने शुभचिंतकों को बताया, बिहार के राजा ने कहा है कि शादी कर लो तो दौरौदा का टिकट देंगे। बिहार के राजा ने शादी का फार्मूला ही दिया था, पर अपने लिए पत्नी तो अजय सिंह को खुद ढूंढनी थी। बाहुबली ने पत्नी की तलाश में बहुत हाथ पांव मारे, पर बात नहीं बनी। समय निकला जा रहा था क्योंकि उपचुनाव की तारीख नज़दीक आ रही थी। बाहुबली बीमारी का बहाना बनाकर जमानत पर बाहर था, पर इलाके का कोई राजपूत परिवार एक ऐसे आदमी को अपनी बेटी देने को तैयार न था जिसके ऊपर अपराध के इतने मामले दर्ज हों और जिसकी शहाबुद्दीन से सीधी अदावत हो। आवश्यकता है एक वधू की जिसकी उम्र 25 साल से कम न हो, जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, जिसके पास वोटर कार्ड हो, जो पढ़ी लिखी हो और लड़की तुरंत शादी करने को तैयार हो। यदि कन्या राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो तो वरीयता दी जाएगी। अखबारों में अजय सिंह ने शादी का इश्तिहार कुछ ऐसा ही छपवाया था। कई कारणों से शादी का यह इश्तिहार भारत के इतिहास में अपनी तरह का अनूठा इश्तिहार था, जिसमें कन्या के लिए सुंदर, सुशील, दहेज आदि की बातें नहीं,
बल्कि 25 साल की उम्र और वोटर कार्ड का जिक्र था। 16 लड़कियों ने विज्ञापन देखकर पत्राचार किया। सभी का छपरा के एक होटल में इंटरव्यू हुआ और 16 में से 2 का नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ। अंततः कविता सिंह का चयन हुआ, जिनकी माँ ग्राम प्रधान थी। कविता उस समय JP विश्वविद्यालय में MA की छात्रा थी, जबकि अजय सिंह सिर्फ 8वीं पास। चट मंगनी पट ब्याह से भी ज़्यादा तेजी से इस शादी में दिखाई गई। सावधानी बरता गया कि किसी को कानो कान खबर न हो, क्योंकि जाने कौन कब शादी में अरंगा डाल दे। अजय उस समय मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर जेल से बाहर आए थे। बड़े सादे तरीके से सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर में दोनों की शादी हुई और यह विवाह हुआ पितृपक्ष में। पितृपक्ष जिसमें बिहार में लोग नए कपड़े तक नहीं लाते। अजय सिंह जीवन संगनी लेकर आए थे। शादी के तुरंत बाद अजय सिंह पत्नी के साथ पटना रवाना हो गए और सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुँचे। अजय सिंह ने बिहार के राजा के निर्देशों का पालन किया और राजा ने मुँह दिखाई के तौर पर कविता सिंह को दरौदा का टिकट थमाया। कविता सिंह ने टिकट मिलने के बाद मीडिया से कहा कि वह अपनी सास जगमाधो देवी का सपना पूरा करेंगी। अब सपना क्या था न तो कविता ने बताया न ही जनता ने पूछा। कविता सिंह वह उपचुनाव जीत गईं, जिस तरह एक कॉलेज जाने वाली युवती अचानक विधायक बन गई। अजय सिंह के माँ जगमाधो देवी का राजनीतिक करियर भी कुछ ऐसा ही नाटकीय अंदाज में शुरू हुआ था। जगमाधो देवी एक घरेलू महिला थीं। पति मल्लेश्वर सिंह राजनीति में रुचि रखते थे और बेटा अजय बाहुबली बनने का ख्वाब देखता था। जीवन चल रहा था कि एक दिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में मल्लेश्वर सिंह की हत्या हो गई। तब तक बेटा अजय भी बाहुबली बन चुका था। उसे राजनीतिक सा की सख्त दरकार थी। 2005 में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई। जगमाधो देवी रघुनाथपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरी। मुकाबला हुआ हिस्ट्री सीटर अयूब खान के पिता कमरुद्दीन खान से। बिहार के अति संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल हुए इस सीट से बाहुबली अजय सिंह की मां जगमाधो देवी चुनाव जीत गईं। बाहुबली अजय सिंह को जिस राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी उसकी ओर उसने कदम बढ़ा दिया था। अजय सिंह की बाहुबली बनने की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। अजय कभी शहाबुद्दीन का खासम खास गुर्गा हुआ करता था। 2002 में उसे चैनपुर के थाना प्रभारी BK यादव की हत्या कर दी। सर पर शहाबुद्दीन का हाथ होने से लालू राबड़ी राज में एक यादव अफसर की हत्या करके भी अजय सिंह का बाल बाका न हुआ। उसके बाद अजय सिंह ने एक राजद कार्यकर्ता बबलू यादव की हत्या कर दी तो माहौल गर्मा गया। कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने अजय की बहुत क्लास लगाई थी, यहाँ तक कि गुस्से में उस पर पिस्टल तक तान दिया था। यही से दोनों के बीच दुश्मनी के बीज पड़ गए। अजय को अब किसी बाहुबली के लिए काम नहीं करना पड़ा था, उसे अब अपना अलग गैंग बनाना था, खुद बाहुबली कहलाना था। अजय की बढ़ती महत्वाकांक्षा से शहाबुद्दीन कैंप नाराज हो गया। शहाबुद्दीन के साफ शूटर रियाजुद्दीन ने अजय सिंह को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी ली और उसकी हत्या की नियत से अजय के इलाके में पहुंचा। लेकिन उल्टा अजय ने ही रियाजुद्दीन की हत्या कर दी। उसके बाद शहाबुद्दीन के एक और करीबी की हत्या करके अजय सिंह ने बाहुबली का टैग ले लिया। अजय सिंह का एक सपना पूरा हुआ था। अब एक किसी बाहुबली का गुर्गा नहीं, स्वतंत्र बाहुबली था। सिवान से सटे गोरखपुर के सांसद महंत योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन के तहत जोशीले हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे थे। योगी को अजय सिंह में वह सारी प्रतिभा दिखी जिसकी उन्हें तलाश थी। अजय सिंह हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना। वैसे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 1977 से ही जीता वही है जिसके पास ताकत रही है। यहाँ की सियासत विजय शंकर दुबे और विक्रम कुंवर के बीच सिमट गई थी, लेकिन उस वर्चस्व को तोड़ा अजय सिंह ने अपनी माँ को चुनाव जिताकर। परिसीमन के बाद रघुनाथपुर का नाम बदलकर दौरांदा हो गया। अजय को अपनी पीठ पर किसी बड़े नेता का हाथ चाहिए था
और जदयू को जिताऊ उम्मीदवार। जगमातो देवी जदयू में शामिल हुई और 2010 में दरौदा से जदयू की विधायक बनी, लेकिन एक साल बाद उनका निधन हो गया। दरौदा में 2011 में उपचुनाव हुए और उनकी बहू कविता सिंह अपनी सास का सपना साकार करने विधानसभा पहुंची। 2017 में कविता सिंह दोबारा विधायक बनी, अब लोकसभा पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। कविता अपनी सास का सपना पूरा करने पटना से दिल्ली पहुंचती हैं, या फिर हिना साहब जिन्हें लगता है कि उनके रॉबिनहुड पति को फंसाया गया है। पर एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि राजनीति के इस हमाम में सब एक जैसे हैं, चाहे जिन पर जंगल राज लाने का तंज कसा जाता हो या फिर वो तंज कसने वाले तथाकथित सुशासन के हिमायती। पिछले 35-40 सालों में बिहार की राजनीति बाहुबल के सिंगंजे से निकल ही नहीं पा रही है, या इसे निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। बिहार के 40 में से 10 सीटों पर बाहुबली सीधे सीधे या पर्दे के पीछे से मुख्य भूमिका में रहेंगे, हार जीत का फैसला करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।